ये अपन पढ़ रहे थे आवेशित चालक की सतह पर बल, आवेशित चालक की सतह पर बल, इसमें ये कोई आवेशित चालक ले लिया, आवेशित चालक कौन सा है? ए सी बी। इस आवेशित चालक पर समान रूप से क्या फैला हुआ है? आवेश फैला हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं इस आवेशित चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। जैसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सिग्मा बोला है अपने, इसका मतलब क्या होगा? क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा? क्षेत्र। ये हमने एक प्रश्न ले लिए, एक अल्पांश ले लिया जिसमें दो बिंदु, एक तो बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, दो बिंदु ले लिए P1 और P2। इन बिंदुओं पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। और बिंदुओं पर विचार करने के पश्चात मान लीजिए एक प्रश्न, क्योंकि सम्मिति में प्रश्न है और सम्मिति में प्रश्न होने के कारण इस क्षेत्र से और इस क्षेत्र से ये भी तो प्रश्न है आपके पास, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E1 है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2। ये पूरे भाग के कारण कितना है? E2। और इसके लिए कितना मान लिया अपन ने? E1। इसके कारण डायरेक्शन कैसी जा रही है? बाहर की तरफ, ये मैंने ले ली बाहर की तरफ। इसके कारण डायरेक्शन किधर जा रही है? बाहर की तरफ, ये मैंने ले ली बाहर की तरफ। अब देखिए इस बिंदु अंदर की तरफ एक बिंदु क्या लिया अपन ने? ये प्लस इधर है, इधर इसकी डायरेक्शन इधर है, ये प्लस इधर है इसकी डायरेक्शन, ये हमने दो बिंदु ले लिए। इन बिंदुओं पर विचार करते हुए अपन बाहर की तरफ और अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये एज ए क्या बन रही है? प्लेट बन रही है, ठीक है। थोड़ी देर इसको अपन ने काट के ये एक क्षेत्र बन गया, वृत्ताकार मान लो, वृत्त को मैंने गोलाकार मान लो, गोला को मैंने बीच में से काट लिया और इसको सीधा कर दिया तो एक पूरे क्षेत्र बन गए, एक लंबाई बन गई, ठीक है। उस क्षेत्र पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो जिसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या फैला हुआ है? आवेश फैला हुआ है, तो समान रूप से आवेश फैला है तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जी। अपन ने सर्वरोप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ी थी और चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जी। कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जी। तो इसके कारण हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जी। इसी प्रकार इस बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इस बिंदु पी पर के इस बिंदु P2 के अंदर P2 में अंदर की तरफ आवेश उपस्थित नहीं है और आवेश उपस्थित नहीं होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि P2 बराबर कितना हो गया? जीरो। अब इस क्षेत्र और इस क्षेत्र को लेके चलेंगे हम, इनको लेते हुए हमारे पास P1 का मान निकालेंगे। P1 की डायरेक्शन कैसे है? दोनों P1 पर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। अब इसके कारण E1 वेक्टर इस बिंदु P1 पर ले रहे हैं, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी है? इक्वल है, समान है। समान होने के कारण ये दोनों कैसे हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यहां दोनों P2 पर देखो, इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, विपरीत है, और विपरीत होने के कारण के परिणाम ही मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो E P2 बराबर E1 माइनस कितना हो जाएगा? ठीक। E P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त होगी? जीरो। मान रखेंगे उत्तर आ जाएगा। तो अपन इसके बारे में थोड़ी लिखते हैं। माना एक चालक, एक चालक
जिसकी सतह पर समान रूप से आवेश वितरित है। आवेश वितरित जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है सिग्मा। अब चालक के ठीक बाहर है, अब चालक के ठीक बाहर व ठीक अंदर दो बिंदु P1 व P2 पर विचार करते हैं। आवेशी चालक के पृष्ठ के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। P1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आवेशी चालक के ठीक अंदर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है अंदर EP2 कितना है EP2 बराबर कितना हो जाएगा जी, ये समीकरण नंबर क्या कितना दे दिया अपने 2 दे दिया, अंदर ले लिया बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखिए अब दो भाग, अब इस चालक दो भाग पहला है अल्पांश AB तथा सेकंड है अल्पांश सेकंड बचा हुआ भाग शेष भाग ACB में विभक्त करते हैं। जैसे इसको विभक्त करेंगे तो माना AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E1 और E2, तो AB के कारण अल्पांश AB के कारण अपने निकट
बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, E2 है, क्या है? E1 और E2 है। तो अल्पांश AB के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? P1 बराबर E1, दोनों के डायरेक्शन कैसे समान है, तो E1 प्लस कितना हो जाएगा? E2। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से समीकरण 1 में इसका मान है, P1 का मान कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन कितना हो गया? एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर कितना हो गया? 4। दूसरा शेष भाग ACB के कारण अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? EP2 बराबर E1 माइनस E2। चूंकि EP2 का मान कितना है? 0 है, तो यहाँ 0 रख देंगे, बराबर E1 माइनस कितना हो गया? E2। E1 बराबर कितना हो गया? E2। समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 से समीकरण 4 का हमारे पास E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E1 की जगह मैं कितना रख सकता हूँ? E2 रख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। E2 कितना हो जाएगा? 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर कितना हो गया? 6। समीकरण नंबर 6 अब ACP के कारण अब शेष भाग ACB के कारण इस अल्पांश AB पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्राप्त होती है। ये तो हमारे पास क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। अपन को क्या चाहिए? बल का मान चाहिए। किस भाग के कारण? इस अल्पांश भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र होता है E बराबर M अपॉन Q। क्या होता है? F अपॉन Q। इस अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण आवेश का मान कैसा होगा? अल्प होगा। और लगने वाला जो बल है उस बल का मान भी कितना होगा? अल्प होगा। इस पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त हो रही है? E2। अर्थात E2 बराबर DF अपॉन कितना हो जाएगा? DQ हो जाएगा। तो अल्पांश AB पर आवेश DQ है, तो DQ है तो लगने वाला जो बल है DF बराबर DF
F बराबर कितना हो जाएगा E2 into D2। यहाँ बगल में लिख सकते हैं अपन E2 बराबर DF अपॉन कितना हो जाएगा D2। DF बराबर E2 into D2 हो गया। E2 की वैल्यू अपन ने रख दिया, E2 की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन 2 ऐसा लिख दियो, सिग्मा अपॉन 2 ऐसा लिख दियो, E2 कितना हो गया D2। ये क्या आ गया हमारे पास बल, इस अल्पांश के कारण लगने वाला बल। मैं इसको और भी हल कर सकता हूं यही, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन कितना होता है डीएस होता है, तो dq बराबर सिग्मा इनटू ds ये वैल्यू रख देंगे और df बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इस dq की जगह में कितना रख दूं यहां पर सिग्मा इनटू ds, सिग्मा इनटू ds सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, तो df बराबर सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बल का मान आ जाएगा, समीकरण नंबर कितना हो गया सात, समीकरण नंबर सात। अब क्या करना है आपको संपूर्ण भाग पर या संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल, संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल, संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल संपूर्ण पृष्ठ पर बल लगेगा तो कितना लगेगा, संपूर्ण के लिए क्या करते हैं अपन इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन df बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू कितना हो गया ds हो गया। अब देखिए f बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू कितना हो गया ds, इसको और भी हल कर सकते हैं अपन ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूं मैं ऊपर नीचे एप्सिलॉन 0 से क्या करते हैं गुणा करते हैं, f बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 गुणा एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू कितना हो गया ds हो गया, f बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इनटू कितना हो गया एप्सिलॉन 0 इनटू ds सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर हो गया इनटू कितना हो गया एप्सिलॉन 0 इनटू ds f बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर हो गया और 1 अपॉन कितना बच गया 2 एप्सिलॉन 0 इनटू ds और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा e बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 की जगह कितना रख दूं मैं e f बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 इसकी जगह कितना रख दें e और इसके ऊपर क्या हो गया इस पर एप्सिलॉन 0 टू ds। तो ये संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला जो बल है समीकरण नंबर कितना हो गया 8, समीकरण 8 आवेशी चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल बल का व्यंजक है, बल का क्या है व्यंजक है। इसी प्रकार से एक पृष्ठ के एकम क्षेत्रफल पर लगने वाला जो दाब है उस दाब का मान भी अपन क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, पृष्ठ के एकम
क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। ग्यारहवीं क्लास में पढ़ा था P बराबर F अपॉन A होता है, A की जगह अपन क्या ले रहे हैं S, तो P बराबर F की जगह कौन सा है अल्फा F होगा DF, अपॉन कितना हो जाएगा DS, तो P बराबर DF की वैल्यू हमारे पास ये है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बटे में DS, इनको कितना लग रहा है DS, DS से DS कैंसिल हो गया, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर कितना हो गया 9, समीकरण 9 है पृष्ठ के एकक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब का व्यंजक है, या आपको इसको दूसरे शब्दों में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर नीचे एप्सिलॉन 0 से गुणा करूंगा मैं, तो एप्सिलॉन 0 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू नई वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 ये रहा एप्सिलॉन 0 ये रहा, तो ये कितना हो गया यानी स्क्वायर हो गया ये, तो p बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और एप्सिलॉन 0 कहां लग रहा है गुणा में लग रहा है, तो इसकी जगह कितना लिख दूंगा मैं e, तो के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर कितना होता है e होता है, तो यहां इसकी जगह मैं कितना लिख दूं e, तो p बराबर पहला तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दूसरा आ जाएगा e स्क्वायर, e स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन 0 बटे में कितना हो जाएगा 2, समीकरण कितना हो गया 10, समीकरण जो 10 है समीकरण 10 पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब का व्यंजक है, दाब का क्या है व्यंजक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, साबुन के जो बुलबुला है उस बुलबुले के लिए अपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था उसका दाब आदि की कितना प्राप्त होता है, साबुन का जो बुलबुला है उसमें पृष्ठ कितने होते हैं 2 पृष्ठ होते हैं, एक अंदर का पृष्ठ होता है एक बाहर का पृष्ठ, 2 पृष्ठ होने के कारण उसका दाब आदि का जो मान होता है वो पड़ा होगा 40 अपॉन आर, पी एक्स बराबर 40 अपॉन आर, यदि साबुन के बुलबुले की जो त्रिज्या है त्रिज्या कितनी है आर, और उस पर साबुन के बुलबुले पर लगने वाला जो पृष्ठ तनाव है वो पृष्ठ तनाव कितना है टी है, तो दाब आदि का जो मान आता है पी एक्स बराबर 40 अपॉन आर, यदि एक पृष्ठ होता बुलबुले का पृष्ठ एक होता तो पृष्ठ एक होता तो हमारे दाब आदि का मान होता है 40 आर के बराबर, जहां डी क्या है पृष्ठ का मान, आर क्या है बुलबुले की त्रिज्या। अब देखिए साबुन का जो बुलबुला है कपड़ा धोते हैं जो सर्फ है सर्फ के जो बुलबुला होता है ये बुलबुला होता है, इस बुलबुले पर यहां पर क्या पड़ता है वायुमंडलीय दाब पड़ता है, और यहां से कौन सा दाब लगता है इंटरनल आंतरिक दाब लगता है, इस आंतरिक दाब का जो मान है वायुमंडलीय दाब से क्या हो रहा है ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो बुलबुला टूटेगा नहीं, वायुमंडलीय दाब का मान इस पर पड़ रहा है और ये बुलबुला के अंदर कौन सा दाब लग रहा है आंतरिक दाब लग रहा है, जैसे इसका मतलब है कि
जब तक बुलबुला फूटेगा नहीं तब तक आंतरिक दाब का मान वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, अधिक होगा। और इस स्थिति में इस बुलबुले पर साबुन के जो बुलबुला है साबुन के बुलबुले पर दाब अधिक का मान कितना प्राप्त होता है, वोल्टेज आगे प्राप्त होगा। इस स्थिति के अंदर अपन क्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे, इसका जो आवेश है वो आवेश का मान निकालेंगे, साबुन के बुलबुले पर कितना आवेश उपस्थित होगा वो ये मान निकालेंगे। तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले अपने दाब अधिक का मान निकाला था, दाब का मान निकाला था E स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन 2 निकाला था। इतना यदि इस पर दाब देंगे तो ये कैसी अवस्था में रहेगी, संतुलन की अवस्था में रहेगी। यदि इससे ज्यादा अपन कोई और ज्यादा आवेश देंगे तो साबुन का बुलबुला क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो उस पर लगने वाला जो दाब का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस स्थिति में वो अपन क्या निकालेंगे, अलग अलग पॉइंटों का मान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आना चाहिए आपको साबुन के जो बुलबुला है उस बुलबुले पर दाब अधिक का मान क्या होता है। तो साबुन के बुलबुले के साबुन के बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ पर वायु का दाब, आंतरिक पृष्ठ पर वायु का दाब, आंतरिक पृष्ठ पर वायु का दाब, वायु का दाब बाह्य पृष्ठ पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस दाब आदि को संतुलित कौन करेगा, इसको ऊपर पृष्ठ तनाव, इस दाब आदि को पृष्ठ तनाव संतुलित करता है। पृष्ठ तनाव संतुलित करता है यदि बुलबुले की त्रिज्या, यदि बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल आर तथा पृष्ठ तनाव कैपिटल टी है तो दाब अधिक पी, ये ई एक्सिस के ले रहा हूं एक्सिस, दाब अधिक पी एक्सिस बराबर 4p अपॉन आर। वोल्टी अपॉन आर क्या होता है, साबुन के बुलबुले के दो मुक्त सतह के कारण, दो मुक्त सतह के कारण जो दाब अधिक का जो मान है वो दाब अधिक का मान कितना प्राप्त होता है, 40 अपॉन आर के बराबर प्राप्त होता है। अब क्या करें, यदि इस साबुन के जो बुलबुला है उस बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश से क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो नया जो दाब अधिक है वो तो नया दाब अधिक का मान कितना प्राप्त होगा।
अब साबुन के पुंज, साबुन के बुलबुले को सिग्मा पृष्ठीय आवेश से आवेशित किया जाए, किया जाए तो बुलबुले के बाहर, बुलबुले के पृष्ठ पर, बुलबुले के पृष्ठ पर एक मैक्स दाब लगता है, वो दाब कौन सा होता है? वैद्युत दाब। पृष्ठ पर वैद्युत दाब क्या निकल के आएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन जीरो प्राप्त होता है। इस स्थिति में दाब आदि नया दाब आदि कितना प्राप्त हो जाएगा? नया दाब आदि क्या होगा? एक तो यहां बुलबुला है, ये इस बुलबुले के कारण दाब आदि का मान हमारे पास पी एक्सिस आ गया, और इसका मान पी एक्सिस का मान कितना हो गया? 4p अपॉन r के बराबर मिला है। एक इसके कारण इसके जो प्रश्न है उस प्रश्न पर एक नया वैद्युत दाब लगेगा, क्योंकि प्रश्न पर क्या है, इस तरह आपण को इसको क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं। आवेशित जैसे करेंगे तो इस पर क्या होगा? बल लगेगा, बल से क्या होगा? दाब भी लगेगा इसके ऊपर, वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है इसके अंदर। तो दाब का जो प्रश्न पर जो लगने वाला जो दाब है वो दाब का मान कितना आ जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। टोटल दाब कितना लगेगा? टोटल दाब, एक तो ये दाब, एक इसके पृष्ठ पर लगने वाला जो दाब, वो दाब कितना आ रहा है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। वो किसके बराबर होगा संतुलन की व्यवस्था में? 40 अपॉन r के बराबर। दोबारा देख लो, ये साबुन का जो बुलबुला है, इस साबुन के बुलबुले में दाब जो आदिक का जो मान है, वो दाब आदिक का मान कितना है? पी एक्सिस कितना है? पी एक्सिस। इसका जो मान हमारे पास आता था 40 अपॉन r, कितना आता था? 40 अपॉन r आता था। अब इसको क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व। जैसे इसको आवेशित करेंगे तो इस पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो जाएंगे? आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, और पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न होते ही इस पर एक और दाब, एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है, एक और दाब लगेगा आवेश उत्पन्न होते ही, वो दाब कौन सा होगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब यहां कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसको संतुलन की अवस्था में कौन बढ़ा रहा है? 40 अपॉन r। कहने का मतलब इन दोनों का यदि मान 40 अपॉन r के बराबर रहेगा तो बुलबुला फूटेगा नहीं, यदि इससे ज्यादा कम होगा तो बुलबुला क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। तो टोटल दाब आदि का मान हमारे पास कितना जाएगा? पी एक्सिस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 40 अपॉन r। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। समीकरण नंबर 2। अब क्या कर रहे हैं? यदि अपन इसमें क्या करें और आवेश से आवेशित कर देते हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी कि बुलबुला क्या हो जाएगा? फूट जाएगा, और बुलबुला फूटते इस पर कोई दाब नहीं लगेगा। जब बुलबुला ही खत्म हो जाएगा तो लगने वाला दाब का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, लगने वाला दाब कितना हो जाएगा? 0। अब साबुन के बुलबुले को और आवेशित करने पर
ऐसी आ गई कि साबुन का बुलबुला फूट जाएगा। तथा लगने वाला दाब पी एक्सिस बराबर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लगने वाला जो दाब है वो दाब का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे दाब का मान जीरो होगा तो देखिए समीकरण दो समीकरण दो हमारे पास है पी एक्सिस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो बराबर 40 अपॉन आर। ये समीकरण दो है। इस बुलबुले को अपन ने क्या किया? आवेशित किया। और आवेशित करने के बाद में एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये बुलबुला क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। और बुलबुला फूट जाएगा दाब आदि या दाब का मान रखने वाला दाब का मान कितना हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे जीरो रखेंगे, जीरो प्लस, या मैं इसको खा ले जाऊं इधर ले जाऊं मत ले जाऊं कोई बात नहीं, जीरो प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो बराबर कितना हो गया? 40 अपॉन आर। हो गया नहीं हो गया? या मैं ये लिख सकता हूं 40 अपॉन आर बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो लिख सकता हूं। अब यहां पर बुलबुले आर क्या है? पर बुलबुले की त्रिज्या, यदि हमसे ये पूछे बुलबुले की त्रिज्या की गणना कीजिए, बुलबुले की त्रिज्या साबुन के बुलबुले की त्रिज्या साबुन के बुलबुले की त्रिज्या ये निकालेंगे स्मॉल आर बराबर इसका गुणा इससे करेंगे, चार दूनी कितना हो गया? आर एप्सिलॉन जीरो इनटू कितना हो गया? टी बटे सिग्मा स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना दे देते हैं इसको? टी। यदि अपन को क्या चाहिए? बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान चाहिए, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर। कितना होता है? सिग्मा। बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व का पृष्ठीय आवेश घनत्व यूं पूछ लेता है बुलबुले को कितना पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया, तो अपन इसको किस सूत्र की सहायता से इसको निकालना है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा। तो यहां समीकरण तीन से देख लेते हैं, समीकरण तीन से, समीकरण तीन क्या कहता है? सिग्मा स्क्वायर बराबर 8 एप्सिलॉन 0 टी अपॉन कितना हो गया? आर। किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को? सिग्मा की। तो सिग्मा बराबर अंडर रूट 8 एप्सिलॉन 0 टी अपॉन आर। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 4। समीकरण नंबर 4। अब देखिए बुलबुले को दिया गया आवेश का मान पूछ ले, बुलबुले को दिया गया आवेश बुलबुले को साबुन के बुलबुले को बुलबुले को दिया गया आवेश आवेश क्या होता है?
आवेश का मान कैसे निकालेंगे? अपने पास वैल्यू दे रखी है ओनली आर की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, ज्यादा से ज्यादा आर से अपन क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आर से क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्र। अब देखिए हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पढ़ा था, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, अर्थात क्यू बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा ए। ए की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर? साबुन का बुलबुला को क्या मान के चल रहा है? साबुन 4πr2। इसकी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4πr2। आवेश का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? सिग्मा इनटू 4πε0 इसको कहते हैं 4π वो सिग्मा इनटू 4πr2 के बराबर। सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास, आर की वैल्यू, दोनों वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? आवेश का मान आ जाएगा। तो आवेश कितना हो जाएगा? क्यू बराबर सिग्मा इनटू 4πr2। या बगल में आप देख सकते हैं सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, अर्थात सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4πr2। जो 4πr2 सिग्मा की वैल्यू अपन ने दी 8 0 4πr2। ये हमारे पास हो गया, इसकी पावर मैं क्यों लिख सकता हूँ? 1/2। और इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर, लिख क्या सकता हूँ है ये मेरे पास क्यू बराबर 4π√8ε0t। इसको मैं ऊपर ले जाऊँ आर की पावर माइनस का 1/2 और ये हो गया आर स्क्वायर। यहाँ बच गया क्यू बराबर 4π√8ε0t और ये बच गया आर की पावर 3/2। आर की पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया? 1 + 1/2 को तो इसके अंदर बचा दे और एक आर को खा निकाल ले बाहर निकाल ले, एक आर को खा लेते बाहर, तो क्यू बराबर 4π√8ε0t इनटू कितना हो गया आर। ये क्या हो जाएगा? आवेश का मान प्राप्त हो जाएगा। और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पावर 3 भी लिख सकते हैं, इसको यहां हटा सकते हैं, वो भी सही है।